सब्सक्राइब कीजिए ऑटो एक्सट्रीम को और बाइक्स और कार्स की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑटो एक्सट्रीम पर। मैं हूं अमन और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नई सुजुकी एक्सेस 125 मैट्रेड की। दोस्तों, सुजुकी ने लॉन्च की है सेम एक्सेस 125 मैट्रेड कलर में और माइनर अपडेशंस के साथ। जैसे कि अब हमें इसमें जो कलर मिलता है वो पूरा एक मैट कलर मिलता है, जो रेड कलर आप देख सकते हैं, रेड और मरून का मिक्सचर ये कलर लगता है। इसके साथ ही हमें इसमें क्रोम फिनिश के रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं, जो कि अभी सभी वेरिएंट्स में आते हैं, और ये वाली सीट मिल जाती है। ये भी अब जितने भी वेरिएंट्स आ रहे हैं सब में हमें ब्राउन कलर की सीट मिल जाती है। ये अपडेट कुछ कुछ वैसा है जैसे कि जुपिटर से जुपिटर ग्रांडे में अपडेट किया गया था, उसमें भी हमें रियर व्यू मिरर्स का कलर और सीट चेंज करके दी थी। जो मैट्रेड कलर है सुजुकी एक्सेस 125 का, उसमें डिजाइन में कोई चेंज नहीं किया गया है। हमें इसमें वही रेट्रो लुक मिलती है जो कि हमें दूसरे वेरिएंट्स में मिलती है। वेस्पा जितनी तो रेट्रो लुक नहीं देती, बट काफी ज्यादा एक रेट्रो जो फील आती है वो इस स्कूटी को देखने में आती है, स्पेशली इसके हेड से। इसका जो मीटर है वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही लगता है जैसे किसी जो पुराने टाइप की स्कूटी आती है उनमें मीटर आता है, काफी ज्यादा ऐसा ही लगता है इसका मीटर देखने में। दोस्तों, जो एक्सेस 125 है वो इंडिया में 125 सीसी में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है। सुजुकी करीब करीब 55,000 स्कूटर हर मंथ बेचता है एक्सेस 125 के। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो आती है एक्टिवा 125, जिसकी करीब करीब 20,000 यूनिट्स बेचता है होंडा। उसके बाद आती है हीरो मेस्ट्रो, जिसकी करीब करीब 30,000 यूनिट्स बेचता है हीरो। तो यूथ के रिस्पॉन्स के हिसाब से और सेल्स के हिसाब से दोनों में एक्सेस 125 नंबर वन स्कूटर है 125 सीसी की मार्केट में। परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें एक्सेस 125 में 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर सीवीटी इंजन मिलता है। सीवीटी मतलब कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन वाला इंजन मिलता है, जो कि एक गियरलेस इंजन होता है। सभी स्कूटर में यही इंजन मिलता है, जो कि हमें प्रोवाइड करके देता है 8.5 bhp। जो इसमें पावर है 8.5 bhp, सिमिलर पावर हमें एक्टिवा 125 में भी मिल जाती है, बट इसका जो इंजन है वो थोड़ा सा लाइटर है, तो इस वजह से जो पावर टू वेट रेशियो है वो स्कूटर की भी बढ़ जाती है, क्योंकि स्कूटर का भी वेट कम किया था लास्ट अपडेट में, 10 किलो करीब करीब ओवरऑल कम किया था। तो इस वजह से ये जो स्कूटर है वो करीब करीब 90 से 95 तक की स्पीड काफी आराम से छू लेता है, 90-95 ये स्कूटर चला जाता है, वो भी बहुत आराम से। वहीं जो एक्टिवा 125 है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। दोस्तों, अक्सर होता ये है कि जब हम किसी भी व्हीकल को कंपेयर करते हैं, किसी भी टू व्हीलर को कंपेयर करते हैं होंडा के जो टू व्हीलर है उससे, तो ज्यादातर यही फैक्टर आता है कि होंडा की रिफाइनमेंट जबरदस्त है, दूसरे स्कूटर या बाइक की रिफाइनमेंट कम है। बट दोस्तों, जो सुजुकी एक्सेस 125 है उसमें ऐसा नहीं है, हमें इसके स्कूटर में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मिलती है, बहुत जबरदस्त तरीके से इसका इंजन रिफाइंड है। अगर आप एक बढ़िया हेलमेट लगा के चलाओगे तो आपको ज्यादा फील भी नहीं होगा इस स्कूटर की जो इंजन की आवाज है, इतना जबरदस्त तरीके से इसका इंजन रिफाइंड है। यही वजह है कि लोग एक्टिवा 125 को छोड़ के जो सुजुकी एक्सेस 125 है उसको लेना ज्यादा पसंद करते हैं। बल्कि एक्टिवा जो है वो 110 सीसी की मार्केट में जो नंबर वन स्कूटर है वो रहा है, मतलब इतना ज्यादा पसंद करते हैं लोग सिंपल वाली एक्टिवा को कि वो सुजुकी के जो टू व्हीलर्स में जितने भी सारे टू व्हीलर बिकते हैं उन सबसे ज्यादा अकेली एक्टिवा की सेल रहती है। उसके बाद भी लोग सुजुकी एक्सेस 125 को पसंद करते हैं, तो जरूर है, यही है कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा अच्छा है इंजन का। माइलेज की बात करें तो हमें सुजुकी एक्सेस है वो 45 की माइलेज दे देती है जब बिल्कुल नई होती है, और थोड़ी सी पुरानी होने के बाद, मतलब दो सर्विस होने के बाद 47 तक की माइलेज निकाल के दे देती है। एक्टिवा हमें दे देती है 42 से 45 के बीच में। माइलेज में 3-4 किलोमीटर का फर्क आता है इन दोनों में। जो मेस्ट्रो है वो भी करीब करीब 45 की माइलेज दे देती है। तो माइलेज में तीनों जो स्कूटर है 125 सीसी के सेगमेंट वाले सिमिलर है, बट ये है कि जो एक्सेस 125 है वो थोड़ी सी पुरानी होने के बाद अच्छी माइलेज दे देती है और रिफाइनमेंट भी बनी रहती है। राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सेस 125 में टायर में हमें 90x90 का 12 इंच का टायर मिलता है शुरू में। उसके साथ ही ब्रेक्स में फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं हायर वाले वेरिएंट में, लो वेरिएंट में दोनों में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। उसके साथ ही कॉम्बी ब्रेक सिस्टम हमें इन दोनों में मिलता है, लो वेरिएंट में भी और हाई वेरिएंट में भी, क्योंकि अब 125 सीसी के जितने भी स्कूटर हैं बाइक हैं उनमें मिनिमम कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देना फिक्स है, तो इस वजह से हमें इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है। इसकी जो राइवल है एक्टिवा 125, उसमें भी हमें 90x90 का 12 का ही टायर मिलता है फ्रंट में, और रियर में 90x100 का 10 इंच का। दोनों में टायर के स्पेक्स बिल्कुल सेम है,
और उसमें भी हमें डिस्क वेरिएंट मिलता है, हायर वेरिएंट और लो वेरिएंट दोनों में ड्रम वेरिएंट मिलते हैं। उसके साथ ही दोस्तों इसके जो सस्पेंशन है फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है। मैं जहां पे अभी हूं वो थोड़ी सी ऑफ रोड कंडीशंस है, यहां तक आने में जब मैंने इस स्कूटर को राइड किया तो मुझे मतलब काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिला। वहीं जो एक्टिवा 125 है उसमें भी हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलते हैं जो 125 सीसी वाला वेरिएंट है उसमें, बट इतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें काफी जबरदस्त ऑप्टिमाइज्ड है इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है वो और रियर भी, तो इस वजह से राइडिंग एक्सपीरियंस आपको काफी ज्यादा स्मूथ मिलने वाला है, कोई वाइब्रेशन भी ज्यादा आपको इस स्कूटर में नहीं फेस करनी पड़ती। अब इस स्कूटर को एक बार राइड करके देखते हैं कि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो जो अभी मैं जिस जगह पे था रिव्यू शूट कर रहा था, ऑफ रोड जगह थी, तो वहाँ के हिसाब से तो काफ़ी ज़बरदस्त इसकी जो सस्पेंशन थे वो थे, मतलब मुझे ज़्यादा झटके फील नहीं हुए, काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर रखे हैं सस्पेंशन। रियर ब्रेक मैंने इसका यूज़ किया वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और उसके साथ ही जो एक्सेलरेशन है वो बहुत बढ़िया फील हो रहा है, मतलब एकदम से क्रिस्पी एक्सेलरेशन है, और जो ब्रेक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिव इस स्कूटर के ब्रेक्स हैं, एक्सेलरेशन भी ज़बरदस्त है। जो सीट है इसकी दोस्तों वो मतलब अच्छी कुशनिंग है, जैसे कि नॉर्मल स्कूटर में होती है वैसी है, जो जुपिटर ग्रांडे आया था जैसे कि बीच में उसकी जैसी ही हमें इसमें मिलती है, जैसे कि जुपिटर क्लासिक है उसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सीट है, तो हल्की सी आपको भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं, इस स्कूटर में ऐसा कुछ नहीं है, सीटिंग इसकी ज़बरदस्त है, और ऊपर से जो फुट स्पेस है वो फुट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, जितना होना चाहिए उतना फुट स्पेस हमें मिलता है, एक्टिवा 125 से ज़्यादा हमें इसमें फुट स्पेस मिलता है। जो मेस्ट्रो है मेस्ट्रो में भी हमें ठीक ठाक फुट स्पेस मिलता है दोस्तों, आप पैरों को आराम से रख सकते हैं, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा लंबा भी चला जाते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल वाली एक्टिवा है उसमें फुट स्पेस कम है, या एप्रिला में भी मेरे हिसाब से मुझे तो थोड़ा सा कम लगा था उसकी, पर वो है उसमें पोजिशन ऐसी है तो इस वजह से भी लग सकता है। चलिए अब एक बार इसको भगा के देखते हैं कि डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट रियर ब्रेक्स जो हैं वो स्कूटर में ज़्यादा सही रहते हैं लगाने, जो रियर ब्रेक्स हैं उनको अगर आप यूज़ करेंगे तो गिरने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इनमें ABS तो होते नहीं है तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो टायर हैं वो भी ठीक हैं, मतलब एवरेज हैं, जैसे कि बाकी स्कूटर में होते हैं वैसे इसमें हैं, कुछ खास नहीं है दोस्तों टायर्स में, तो आप ज़्यादा हार्ड कॉर्नरिंग करने की कोशिश ना करिए वरना स्कूटी और आप बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, मतलब कि गिर जाएंगे। सुजुकी एक्सेस 125 के प्रैक्टिकल यूज़ की बात करें कि हमें इसमें कितनी स्टोरेज स्पेस मिलती है और सामान रखने के लिए कौन कौन सी पॉकेट्स मिलती हैं, तो एक तो हमें ये हुक मिल जाता है जो बैग वगैरह टांगने के लिए, उसके साथ ही यहाँ पे एक बॉटल रखने के लिए, छोटी बॉटल रखने के लिए या छोटा मोटा पैकेट रखने के लिए एक पॉकेट मिल जाती है, और एक यहाँ पे ये हुक मिल जाता है सामान रखने के लिए, तो प्रैक्टिकल यूज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ ही जो बात मुझे इसकी अच्छी लगी वो ये कि मेरा जो हेलमेट है वो डॉट सर्टिफाइड है और काफ़ी बड़ा हेलमेट है, ये हेलमेट इसमें आराम से आ जाता है इसकी अंडर सीट स्टोरेज में, ये देखिए ये आराम से हेलमेट आ जाता है, ये बंद हो गई, इसमें हमें 21.8 लीटर की स्टोरेज मिलती है, मतलब करीब करीब 22 लीटर की स्टोरेज मिलती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है दोस्तों। नाइट विजिबिलिटी की बात करें तो जो सुजुकी एक्सेस 125 है उसकी हेडलाइट विजिबिलिटी ठीक ठाक है, मतलब कि इसमें हमें फ्रंट में हेलोजन बल्ब मिलता है जो ओके नाइट परफॉर्मेंस देता है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि आपको नाइट विजिबिलिटी पुअर मिलती है, एवरेज है। जो एक्टिवा 125 है उसकी नाइट विजिबिलिटी मुझे इस स्कूटर से थोड़ी सी बेटर लगी, वहीं जो रियर है रियर में भी हमें एक हेलोजन बल्ब भी मिलता है जिसकी जो नाइट विजिबिलिटी जितनी होनी चाहिए उतनी है, जितना इसका काम होना चाहिए उतना ही कर देता है, बट फ्रंट की जो नाइट विजिबिलिटी है वो एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है। अब एक्सेस 125 के मीटर की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक रेट्रो फील देने वाली स्कूटर का जो मीटर है बिल्कुल वैसा ही लगता है, जिसमें जब ये मीटर स्टार्ट होता है, देखिए जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूँ ना तो इसकी जो सुई है वो एकदम 0 से 110 पे जाती है फिर वापस आती है, तो ये काफ़ी अच्छी फील देती है छोटी छोटी चीज़ें। उसके साथ ही हमें इसमें एक सेमी डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें फ्यूल इंडिकेटर है वो हमें मिलता है डिजिटल, और जो स्पीडोमीटर है वो मिलता है एनालॉग। उसके साथ ही हमें दो ट्रिप मीटर मिलते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी, और आप ये देख सकते हैं ये इसका ओडोमीटर, तो इसका जो मीटर है वो दिखने में नॉर्मल है, जितना काम उसका होना चाहिए उतना काम वो मीटर कर देता है दोस्तों। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों, जिससे कि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।